हेलो एवरीवन, देखते हैं आज का निफ्टी आउटलुक। निफ्टी को 14,500 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, जबकि 14,850 प्रतिरोध के रूप में काम करेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को 32,250 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, जबकि 33,400 प्रतिरोध के रूप में काम करेगा। ट्रेडिंग आइडियाज़ की बात करते हैं फॉर 1 to 14 days के लिए, तो आप नौकरी मे फ्यूचर सेल कर सकते हो बिटवीन 4,925 to 4,975 के बीच। स्टॉप लॉस लगा सकते हो 5,049 रुपीज़ पर और टारगेट रख सकते हो 4,850 पर। डेरिवेटिव स्ट्रेटजी की बात करें सो फॉर टाइम पीरियड 1 month के लिए आप सन फार्मा मे फ्यूचर बाई कर सकते हो बिटवीन 655 to 660 रुपीज़ के बीच। स्टॉप लॉस लगा सकते हो 644.45 रुपीज़ पर और टारगेट रख सकते हो 671 रुपीज़ पर। SGX निफ्टी की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट लोअर लेवल पर खुलने की उम्मीद है, क्योंकि SGX निफ्टी पर ट्रेंड्स इंडेक्स के लिए नेगेटिव स्टार्ट का इंडिकेशन दे रहा है। आज 21 कंपनीज रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे, जिसमें से कुछ कंपनीज के नाम मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे अपोलो ट्राइकोट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, IDBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI लाइफ इंश्योरेंस, टाटा केमिकल्स एंड वरुण बेवरेजेस। आज के स्टॉक एंड न्यूज़ देखते हैं तो सबसे पहले है SBI, TCS, DCB बैंक, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ। SBI की बात करते हैं सो कंट्रीज लार्जेस्ट लैंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सैटरडे को कहा कि उसने होम लोन्स रेट्स को घटाकर 6.70% कर दिया है। बैंक ने कहा कि वुमेन बोरोवर्स को 5 basis points का स्पेशल कंसेशन मिलेगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की बात करें तो 1 May से समीर सक्सेरिया हैज टेकन ओवर एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। DCB बैंक देखते हैं तो बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज डेट इज़ IFSC में 2.89% हिस्सेदारी और गांधीनगर में गिफ्ट सिटी के आधार पर इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन में 4.93% हिस्सेदारी प्रत्येक के लिए 5 crore rupees के हिसाब से उन्होंने एक्वायर किया है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ की बात करें तो LIC ने कंपनी में 2% हिस्सेदारी बेची, जो पहले की हिस्सेदारी से 5.82% से घटकर 3.819% हो गई है। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो सबसे पहले US मार्केट्स की। हाल ही में स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट के बावजूद S&P 500 और NASDAQ पर Amazon, Apple, Alphabet एंड अदर टेक रिलेटेड कंपनीज के साथ वॉल स्ट्रीट शुक्रवार को कम हो गया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.54% गिरकर 33,875.31 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जबकि S&P 500 0.72% घटकर 4,181.21 पर बंद हुआ। NASDAQ कॉम्पोजिट 0.85% गिरकर 13,962.68 पर बंद हुआ। एशियन मार्केट्स की बात करें तो एशियन शेयर मार्केट सोमवार को चीन और जापान की छुट्टियों के कारण धीमी शुरुआत के साथ बंद हो गए और इन्वेस्टर्स को इस हफ्ते आंकड़ों के एक बड़ी संख्या का इंतजार करना पड़ा। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो, इसके लिए हमारे 5 paise चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। 5 paise में आपकी इन्वेस्टमेंट आसान और फायदेमंद बना सकते हो। थैंक यू।